नेक्स्ट पेज विच इज टेन ऑफ क्लाउड्स नमस्ते मैम नमस्ते आरती जी टेन ऑफ क्लाउड्स अगर हम देखें तो इस कार्ड का नाम है रीबर्थ अब आप अगर रीबर्थ का ये पिक्चर देखें देखिए कितना सुंदरता से इसको रिप्रेजेंट किया गया है लेट्स लुक इनटू द डिटेल्स यहाँ पे आप देख रहे हैं देर इज अ कैमल ठीक है यहां पे उसके बैक से एक लायन एमर्ज हो रहा है और लायन के अंदर से एक ह्यूमन इंकारनेशन एमर्ज हो रहा है जो कि बांसुरी बजाता हुआ बाहर आ रहा है तो आप रीबर्थ को इस तरीके से समझ लीजिए जो हम एक जीवन में कई जीवन जीते हैं जैसे कभी कोई रोल प्ले करके कभी कोई रोल प्ले करके जहाँ हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाता है या आप इसे अलग अलग बर्थ के फॉर्म में भी ले सकते हैं तो रीबर्थ का कार्ड जब कभी भी आता है तो कोई नई चीज आने वाली है सामने चाहे वो <coughs> करियर के फेज में आए चाहे वो रिलेशनशिप के फेज में आए चाहे वो आपके इसमें फाइनेंस के फेज में आए तो कुछ नया आने वाला है कार्ड इट्स सेल्फ इज से इसकी पिक्चर भी यही बता रही है अब आप इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो क्लाउड्स है ना ये लोअर लेवल uh, तक ही हैं। उसके बाद वहां से जो आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हैं वो सारे पॉजिटिव कलर्स आ रहे हैं मतलब जैसे अंधेरे से बाहर उबरता ये रीबर्थ है जो रोशनी की ओर ले जा रहा है और जो ये फाइनल रीबर्थ है ये तो बिल्कुल रोशन है बिल्कुल है सॉर्ट। तो ये कलर क्या बता रहे हैं कि जो भी चेंजेस आएंगे जीवन में चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में आए चाहे वो फाइनेंस में आए चाहे वो रिलेशनशिप में आए जो भी चेंजेस आएंगे वो बेहतरी के लिए आएंगे पॉजिटिव साइड के लिए आएंगे राइट right? इतना तो हमने इसकी पिक्चर से पकड़ लिया अब हम इस कार्ड की कहानी को समझते हैं कि वॉट इज द कार्ड अबाउट ये कार्ड डिपिक करता है इट इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस ये तीन लेवल के एवोल्यूशन uh, एवल्यूशन को डिस्क्राइब करता है पहला है कैमल दूसरा है लायन और तीसरा है वो बच्चा अब कैमल का लाइफस्टाइल क्या होता है स्लीपी होता है डल होता है खुदी में जैसे बहुत मस्त है और संतुष्ट है तो वो एक ऐसे डिल्यूशन में रहता है कि उसके वो जो शरीर है वही एक पहाड़ का या किसी पर्वत का पीक है तो उसका क्या रहता है कि वो दूसरों के ओपिनियंस में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता इतना कंसर्न नहीं शो करता क्योंकि वो उसके पास खुद की एनर्जी होती नहीं है तो वो क्या करता है जो सामने बोल रहा है ठीक है उसे बोलने दो इतनी वो एफर्ट्स ही नहीं करता कि वो कुछ चेंज कर पाए कुछ बदलाव ला पाए तो इस कैमल से जो लायन का इमरजेंस है वो क्या है कि जो अभी तक भीड़ का हिस्सा थे जो डलनेस में जी रहे थे वो बाहर आएंगे अब लायन की एनर्जी कैसी होती है और लायन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है लायन कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बन के चलता उसकी एक अपनी रॉयल्टी है एक अपना उसका रॉयल लुक है और उसका पावर है उसकी दहाड़ में ही इतनी क्षमता है कि सारे जानवर डर डर जाते हैं उसे जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि ये मानते हैं कि वो राज करने योग्य है उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी है सेम थिंग हैपन्स अगर आप आ, किसी ऐसे इंसान को देखेंगे हु इज रूल्ड बाई दी एनर्जीज ऑफ लियो जोरियाक में या जिसका लग्न अः लियो का है तो उसमें ये ट्रेट आपको देखने को जरूर मिलेगा कि वो भीड़ का हिस्सा बन के खुश नहीं होते उनका क्या रहता है कि वो अपनी रॉयल्टी उनकी अलग रहती है जो उनकी पर्सनैलिटी में डिपिक्ट होती है एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है जो खींचती है लोगों को अपनी ओर और ऐसे इंसान अपना टेम्पर लूज कर देते हैं इफ इट इज कमिंग ऑन द सेल्फ रिस्पेक्ट जहां बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की आती है वो बर्दाश्त नहीं करते तो ऐसे इंसान क्या होते हैं ऐसे इंसान किसी के नीचे काम नहीं कर सकते उन्हें अपनी फ्री स्पेस चाहिए हर जगह चाहिए उन्हें तो वैसे ही जब ये कैमल से इमर्ज करता है लायन तो वो क्राउड के हिस्से से बाहर आ जाता है और लायन का क्या रहता है वो अकेले रहता है प्राउडली रहता है और अपनी सच्चाई को बता सकता है वो दहाड़ के बता सकता है लेकिन ये अंत नहीं है अब क्या है अब एक बच्चा इमर्ज कर रहा है अब ये बच्चा ना ही तो बहुत शांत और लेजी है और ना ही ये लायन की तरह रिबेलियस है ये कैसा है ये इनोसेंट है बहुत मासूम है ये और स्पॉन्टेनियस है और अपने लिए अपनी तरफ काफी ट्रू है अब खुद को आप देखिए कि आप इसमें से किस स्पेस में हैं अभी क्या आप उस स्लीपी स्पेस में हैं? क्या आप लायन वाली स्पेस में हैं जहां आप रोर कर पा रहे हैं रिबेल कर पा रहे हैं या फिर आप वो बच्चे की एनर्जी लेके चल रहे हैं जो कि बहुत ही इनोसेंट है और स्पॉन्टेनियस है पर खुद के लिए एकदम सच्चा है तो ये चीज आपको रियलाइज करनी है ये टाइम कैसा है ये टाइम ग्रो करने का है और इमर्ज करने का है एक चेंज का टाइम है तभी मैंने आपको बोला कि ये कार्ड किसी की भी रीडिंग में आता है तो आप ये तो मान के चलिए कि हालात बदलने वाले हैं और ये जो चेंज आएगा ये चेंज काफी आ, आप ये कहिए इवोल्विंग रहेगा उनकी लाइफ में और काफी इन्फ्लुएंशियल रहेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट ही पूरा चेंज हो जाएगा जो ये कार्ड हमें बता भी रहा है अब इसी केस में हम देखते हैं ओशो क्या कहना चाहते हैं जेन में क्या रहता है जेन की हम बार बार बात करते हैं जेन मेडिटेशन कार्ड्स का भी जो नाम है दैट इज ओशो जेन तो ये जेन क्या है ये जेन शून्यता की स्टेज है जहां आप आ, कहीं से भी नहीं बिलोंग करते ना ही आपकी कोई ऐसी कहीं जाने की इच्छा या कोई ऐसी डेस्टिनेशन है तो ना तो आप कहीं से आ रहे हैं ना आप कहीं पे जा रहे हैं हर चीज आपसे होकर गुजरती जा रही है तो जब लायन दहाड़ता है एक मिरर के सामने तो मिरर तो नहीं दहाड़ता मिरर तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन देता है तो जब लायन चला गया और वो बच्चा डांस करते आया तो मिरर लायन को भूल गया क्यों क्योंकि मिरर पे तो सिर्फ रिफ्लेक्शन उस पर्टिकुलर मोमेंट की रहती है मिरर कुछ भी नहीं करता सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है ऐसे ही जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो एक मिरर है ना हम कहीं से आते हैं ना हम कहीं पे जाते हैं चीजें आती जाती रहती हैं आपकी एज जो है वो बढ़ती है आप यंग होते हैं फिर आप बूढ़े होते हैं आप अभी जीवित हैं फिर उसके बाद मृत हो जाते हैं फिर दोबारा से जीवन की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या है ये सब रिफ्लेक्शंस है इटर्नल पूल में मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको देखता है इसको जीता है मतलब ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करता है तो ये है जो ओशो इस कार्ड के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि जेन स्टेट में अगर आप जाके देखें तो ये सब बदलाव कुछ मेजर नहीं है आपने नहीं कुछ किया ये तो रिफ्लेक्शन आते गए चीजों के आने से या परिवर्तन होने से तो रिफ्लेक्शन अपने आप आते गए और आप उसे रिफ्लेक्ट करते गए एक्चुअली आपका जो एसेंस है जो आपका अंडरलाइंग सोल है वो तो मिरर की तरह ही है ना वो हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है एकदम न्यूट्रल है वो तो अब हम इस कार्ड को एक बारी अगर देखते हैं एक बारी मैं फिर से बता दूं अगर ये कार्ड किसी भी रीडिंग में आता है चाहे प्रोफेशन है चाहे रिलेशनशिप है चाहे हेल्थ है तो देर आर चेंजेस कमिंग जो उनकी पॉजिटिविटी के लिए होंगे उनके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे उनकी लाइफ में ये उस चीज को दर्शाता है देखिए बर्थ का जो प्रोसेस है जो हमने देखा भी था मेजर आरखाना में जब वो कार्ड आया था कि वो क्या हो रहा था कि सीट से वो फ्लावर निकल रहा था रॉक के बीच में तो वहां पे उसकी स्ट्रगल और उसका पेन दिखा था यहां पे रीबर्थ के प्रोसेस में देर इज नो पेन नो स्ट्रगल इट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन राइट तो आप ये समझिए एक वो चेंज था वो चेंज बहुत मेजर था क्योंकि उसे अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाना था और एक ये चेंज है ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस तो ऑलरेडी है बस हालात को रिफ्लेक्ट करेगा तो हालात अच्छे आते जाएंगे पॉजिटिव होते जाएंगे ये रिफ्लेक्ट करता जाएगा राइट right? That is why this is minor. क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मेजर और माइनर को साथ रखते हैं कि इसमें भी ऐसा है इसमें भी ऐसा है सो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस राइट अब हम आगे बढ़ते